दोस्तों बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल स्टॉक के ऊपर। देखो दोस्तों, स्टॉक रिलेटेड अभी के टाइम एक बड़ी कुछ खबरें देखने को मिल रही है। पीएलसी कंपनी है श्रीलंका की दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट के हाथ है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है उसकी होल्डिंग है 49.5% की। तो क्या कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट श्रीलंका की, फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो उसको बेच रही है, और उसमें से दोस्तों एक बड़ी हिस्सेदारी बेचने वाली है। तो अब उस पर दोस्तों कौन खरीदने की तैयारी कर रहा है, उसको जियो खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, मतलब कंपनी एक दूसरी कंपनी है यहाँ पे श्रीलंका की, नाम है पीएलसी। तो उसके अंदर दोस्तों हिस्सेदारी खरीदने वाली, मतलब जो अपना टेलीकॉम का जो व्यापार है कंपनी यहाँ पे, वो श्रीलंका के अंदर भी बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों बड़ी कुछ खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है, अपडेट पूरी यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन करो, ताकि अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखो दोस्तों, हमने देखा फ्राइडे के दिन की स्टॉक ने पॉजिटिव अराउंड 1.5% के आसपास की तेजी हमें नजर आई है, एंड 255 के आसपास शेयर में देखने को मिल रहा है। तो कोई ज्यादा बड़ा बाउंस नहीं दिखा है अराउंड, अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे हमें ये तेजी नजर आ रही है। इसी के साथ मेन इंपॉर्टेंट कि भाई दोस्तों देखो, नया जो हाई था यहाँ पे फ्राइडे का, वो हमें देखने को मिला। नया मतलब फ्राइडे का हाई, और निफ्ट 260 रुपए के आसपास लगभग ये जा चुका था। एंड जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम यहाँ पे सही थी, वॉल्यूम अराउंड दोस्तों 4 करोड़ 67 लाख की वॉल्यूम नजर आई। एमओ नेगेटिव है, एंड डिलीवरी स्टॉक की जबरदस्ती अराउंड 2 करोड़ 31 लाख की डिलीवरी नजर आई है। तो कम से कम 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमें फ्राइडे को आता हुआ देखने को मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई अपडेट्स क्या देखने को मिल रहा है, एंड इसका कल क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों कल पॉजिटिव अपडेट है, एंड पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे अपडेट की भाई आज क्या अपडेट। देख लो, मनी कंट्रोल की खबर से मुताबिक श्रीलंका सरकार ने बताया कि 3 विदेशी जो टेलीकॉम की कंपनी है, वो यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। ये 3 निवेशक, एक तो जियो प्लेटफॉर्म है, एक यहाँ पे गोल्डन इंडोनेशियन मतलब जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, एंड इसी के साथ दूसरी है पेटिगो, यहाँ पे कमर्शियल जो कॉर्मेसियो इंटरनेशनल मतलब LDA में है। सरकार की ओर से दोस्तों इन्हें संभावित बोलीदाताओं के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो यहाँ पे ये अपडेट जबरदस्त है, एंड कल का इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये दोस्तों जियो खरीद लेता है तो डिफरेंट यहाँ पे हमें रिलायंस इंडस्ट्री है, जहाँ पे जो आपका जियो फाइनेंशियल दोनों एक उच्च स्तर पे दिखेंगे, मतलब एक नए हाई पे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज दोस्तों जबरदस्त, दोनों में इफेक्ट पड़ेगा कल। एंड वर्तमान श्रीलंका यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेजरी सचिव के पास श्रीलंका जो कंपनी है इसकी ऑलराउंड दोस्तों जो यहाँ पे पीएलसी है इसकी दोस्तों 49.5% से नियंत्रण हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही दोस्तों यहाँ पे एडमस्टर स्थित ग्लोबल जो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन है होल्डिंग के पास यहाँ पे 44.9% हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। शेष हिस्सेदारी पब्लिक है। तो अपडेट जबरदस्त है दोस्तों। देखो श्रीलंका की सरकार पूंजी जुटाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों का निजीकरण करना चाह रही है। तो ये दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट को अगर फंड नहीं है तो फंड जुटाने का सबसे आसान तरीका है कि शेयर मार्केट में जो कंपनी है उनको उतार दो, उनका क्या कर दो, बेच दो, पब्लिक कर दो, ठीक है ना। तो ये चीज हमें नजर आई, तो इसका इफेक्ट कल पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि स्टॉक मोमेंटम में तो गई, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि दोस्तों कल मोमेंटम यहाँ पे फिर से बनेगा, एंड हमें एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है इंटरनेट। तो जैसा कि दोस्तों डाटा यहाँ से हम देख लें कि भाई जियो फाइनेंशियल का अभी के टाइम चार्ट पैटर्न तो पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई इस बार मोमेंटम में दिखेगा, एंड गिरावट नहीं होगी ना, ये रिवर्सल करेगा। तो RSI चल रहा है 71 का, डेफिनेटली कोई RSI ओवरबॉट नहीं है। चार्ट पैटर्न के अंदर देखोगे तो जो ब्रेकआउट है वो भी स्टॉक ने कर लिया है, तो ब्रेकआउट के ऊपर का क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये एक पॉजिटिव है। डेफिनेटली यहाँ से अभी स्टॉक तेजी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ से देखोगे दोस्तों आप तो हाई एंड हाई का पैटर्न आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। कहाँ से, यहाँ से अगर आप देखेंगे, जैसा कि इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, हमेशा स्टॉक ने जो अपना यहाँ पे चार्ट पैटर्न है उनको फॉलो किया, देख सकते हो आप यहाँ पे अपने कैंडल से उनको यहाँ पे स्टॉक फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए, कि अपने कैंडल्स को फॉलो करना बहुत पॉजिटिव चीज मानी जाती है।